आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल खेरा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल परिवार में पहले से ही समझौता हो चुका है। इसके तहत सत्ता से जाने से पहले बादल सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और लुधियाना सिटी सेंटर घोटाले में क्लीन चिट दे दी थी, जिसके बाद विजिलेंस ब्यूरो ने कुछ दिन पहले मोहाली कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसे ईमानदार जज ने ठुकरा दिया। अब 2 सितंबर को लुधियाना में लुधियाना सिटी सेंटर स्कैम के ऊपर भी सुनवाई होनी है और विजिलेंस ब्यूरो ने उसमें केस खत्म करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करनी है। सुखपाल खेरा ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार पंजाब की सत्ता में आई थी तो उन्होंने 0% टॉलरेंस की बात कही थी, पर अब लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए राणा गुरजीत को भी एक डाली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर क्लीन चिट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में वह सब मिलकर 4 सितंबर को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सरकारी निवास स्थान का अपनी पार्टी कन्वीनर भगवंत मान की अध्यक्षता में घेराव करेंगे। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का भ्रष्टाचार का केस सिगा अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट था, उधर में 24 अगस्त नो विजिलेंस ब्यूरो ने दबाव में चांन के कैप्टन अमरिंदर सिंह के हक में कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल की थी कि गुनाहगारों के हक में, लेकिन उधर न मानयोग जज ने उस रिपोर्ट नो रिजेक्ट करता। इसका मतलब है कि कोर्ट नो नजर आ गया कि अमृतसर इंप्रूवमेंट घोटाला बहुत बड़ा घोटाला, क्योंकि उधर में विधानसभा की कमेटी बनी सी, उस वक्त विधानसभा की कमेटी ने पूरी इनकुआरी की थी और उन्होंने उस इनकुआरी के आधार पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की मैंबरशिप खारिज हुई सी 2007-08 जी, और उस तो बाद उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज हुई सी, लेकिन उस तो बाद सारी इन्वेस्टिगेशन जी कोल्ड स्टोरेज लाती तो वड्डे टब्बर जोड़े ने बादलों का टब्बर और अमरिंदर सिंह का टब्बर आपस में दोस्ताना मैच खेडना शुरू हो गया और 2016 में आन के उस विजिलेंस ने जिन्हें लुधियाना सिटी सेंटर 10,000 कागजा दे तत्थ पेश किए 1,150 करोड़ रुपए का वो घपला सगा, अमृतसर इंप्रूवमेंट दोनों केसा में कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल करती। साडा यह मनना वा कि यह फ्रेंडली मैच के तहत होया और हुण यह जिहड़ा सरकार आ कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह दे हुंदिया, क्योंकि वह मुख्यमंत्री भी ने, उन्होंने कोल मुख्यमंत्री दे वजो विजिलेंस ब्यूरो उन्होंने थले आ, वह होम मिनिस्टर भी ने पंजाब के, होम मिनिस्टर दे वजो उन्होंने कोल सारी पुलिस सारी प्रोसीक्यूशन सरकारी वकीलों की मशीनरी, इसलिए इतने दोनों केसा में ना लुधियाना सिटी सेंटर विच ते ना ही अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट विच किसी तरह की इंसाफ या फ्री एंड फेयर ट्रायल की उम्मीद है। मैं दुख ना कहना पै रहा कि जिहड़ी पार्टी अपने चोण मनोरथ पत्र विच कहिंदी सी 0 tolerance टू करप्शन, ये 100% करप्शन नू प्रमोट करन ते आ गए कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार। पहला इन्होंने राणा गुरजीत नू जिहड़ा एक करप्ट ते टेंटेड मिनिस्टर जिसने अपने खानसामे दे राही 26 करोड़ रुपए दीआं खड्डां नजायज़ तौर ते लईआं, उहदे उत्ते पर्दा पाया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बोगस कमिशन बना के, जस्टिस नारंग कमिशन जिहड़ा क्लीन चिट कमिशन सीगा उहदे कोलों क्लीन चिट दवाई और पंजाब दे विच भ्रिष्टाचार नू लेजिटिमाइज़ कीता, उहनू कानूनी जामा पवाया। भगवंत सिंह मान पार्टी प्रेजिडेंट नाल गल हो गई आ, असीं सारे रल मिल के साडे MLAs अते अहुदेदार जिहड़े ने पंजाब दे जिन्ने भी आम आदमी पार्टी दे जिला प्रधान स्टेट ऑफिस बेयरर्स, असीं 4 तारीख नू सोमवार वाले दिन मुख्यमंत्री दी कोठी दे बाहर जाके धरना देंगे, क्योंकि दोहरे मापदंड नहीं हो सकते इस देश विच, ताकतवर वास्ते कानून होर ते आम आदमी